नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सेठ और आप देख रहे हैं आपन बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बाढ़ के बाद 80 घाट के नज़ारे दिखाने वाला हूँ। यह 80 घाट का प्रवेश द्वार है। बताने पर यकीन ही नहीं करेगा कोई कि अभी लगभग हफ्ते 10 दिन पहले ही इस जगह पर नावें चल रही थी। दोस्तों, बाढ़ के समय भी मैंने नाव पर बैठकर वीडियो के माध्यम से यहाँ के नज़ारे दिखाए थे। वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आती है और बाढ़ का पानी हटने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है मिट्टी को हटाना। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मिट्टी की सफाई पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि इसमें कुछ दिन समय लगता है। पानी हटने के बाद इस पूरे जगह पर मिट्टी जमा हो गई थी, जिसको कि साफ कराया गया है। इधर सुबह बनारस का मंच है जो पूरी तरह से डूब चुका था। सिर्फ ऊपर का जो शिखर दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा था, बाकी पूरा बाढ़ के पानी में डूब चुका था। ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी का दाग लगा हुआ है, इसको भी जल्दी साफ सफाई करवा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं पुराने वाले 80 घाट पर और देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन है। ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी का कटान कुछ इस तरह हुआ है कि अभी कुछ दिनों तक किनारे पे पैदल चलना काफी मुश्किल होगा। हर तरफ एकदम से गंदगी हो गई है। दोस्तों, किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाढ़ में तो जो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद भी दुश्वारियाँ कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। ये देखिए सामने, ये बहुत पुराना पेड़ था जो पानी में कमज़ोर होकर गिर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है उधर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा का पानी ही लाया जा रहा है और उसी से जमी हुई मिट्टी को हटाया जा रहा है। बस कुछ दिन की और बात है, फिर सभी घाट पहले की तरह दिखने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि हो और आगे ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।